हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वीडियो में। आज के बताने वाले कॉन्टैक्ट नंबर सेव कैसे करें जियो मैक्स के मोबाइल में, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको डायल पैड को ओपन करना है और इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। यहीं पर आपको दिखेगा कॉन्टैक्ट न्यू कॉन्टैक्ट, मतलब कि कनेक्ट न्यू कॉन्टैक्ट। और फ्रेंड्स, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा स्टेकर इंटरफेस। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपका इधर फर्स्ट नेम डालना है, जिस नाम का आप सेव करना चाहते हैं नंबर, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, नाम डालने के बाद आपका सरनेम डालना है, उसका कौन सा सरनेम है तो आप इधर सरनेम डालेंगे, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं सरनेम डाल चुकी हूँ। और उसके बाद आपको ये सरनेम गलत है फ्रेंड्स, पर मैं ऐसे डाल के बता रही आपको। और फ्रेंड्स, आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप फ़ोन नंबर भरना चाहेंगे, मोबाइल नंबर, मैं फ़ोन नंबर भरना चाहूँगी। और फ्रेंड्स, ये 10 डिजिट का फ़ोन नंबर होना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको ऊपर क्या स्क्रॉल करना और यहीं पर आपको दिख जाएगा होम एड्रेस, ईमेल आईडी। आप यहाँ पे ईमेल आईडी भर सकते हैं जिसका नंबर आप सेव कर रहे हैं, उसका होम एड्रेस भी। और फ्रेंड्स, जब आप मोर पे क्लिक करते हैं तो आपको और भी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसका निक नेम क्या है, आप निक नेम भी डाल सकते हैं इसमें। और फ्रेंड्स, ऊपर क्या स्क्रॉल करेंगी देख सकते हैं आप क्या क्या डाल सकते हैं आप, एड्रेस, होम एड्रेस, ईमेल आईडी, सब कुछ डाल सकते हैं आप। और डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स इसमें आप। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें चाहिए भरने की, तो आप यहाँ से कुछ भी भर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ दो डालना चाहूँगी, नेम, एक फ़ोन नंबर। और इसके बाद आपको यहाँ पे रिंगटोन का भी ऑप्शन होता है, पर यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, तो मैं आपको कहीं और बता दें रिंगटोन कैसे सेट करेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, अब हम सेव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखेंगे आपकी ये रिंगटोन सेव, मतलब कि फोन कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो चुका है पूजा। और ये रोल नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, ये नंबर है। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम 3 डॉट पे क्लिक करते हैं रिंगटोन डालने के लिए। ये दिखता है आपको यहाँ पे सेट रिंगटोन। और उसके बाद हम यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप रिंगटोन सेट करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं ये लगाना चाहूँगी, फ्रेंड्स जैसे कि मैं ये वाला लगाना चाहूँगी हॉलीडे, और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका ही सेट हो जाएगा। देख सकते हैं रिंगटोन सेट हो जाएगा। जब भी आपके पास कोई कॉल रहेगा तो आपको इस तरीके का रिंगटोन बजेगा जिस तरीके का आप लगाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस बार मैं आप मैजिक वाला लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करते हैं ऐड और रिंगटोन, तो आप यहाँ से रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं डालना है तो आप यहाँ से बैक कर ली, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं यही वाला लगाना चाहूँगी, ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका सेट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में रिंगटोन भी चेंज कर सकते हैं इसमें कॉन्टैक्ट नंबर में। तो आई होप आप सीखिए कि किस प्रकार से कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो चुका है। तो इसी प्रकार से कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।